चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। छठ पूजा पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राधवानी अभिनीत भोजपुरी मूवी नागदेव बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया और रिलीज होते ही नागदेव को बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है और नागदेव ने एक और नया अध्याय बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर जोड़ दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नागदेव बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर शानदार दूसरा सप्ताह प्रवेश कर लिया है। वैसे आपको बता दें कि नागदेव बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 से ज्यादा सेंटर पर दूसरा सप्ताह प्रवेश किया है, यानी कि दूसरे सप्ताह भी बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर नागदेव का जलवा बरकरार होने वाला है। नागदेव में खेसारी लाल यादव का नाग अवतार भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है और काजल राधवानी पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में नागिन के अवतार में नजर आती हैं। यानी कि नागिन के अवतार में काजल राधवानी का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके काजल राधवानी और खेसारी लाल यादव पर फिल्माया हुआ रोमांटिक सॉन्ग दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नागदेव भोजपुरी दर्शकों के दिमाग में रखकर बनाई गई है, तभी तो दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमा घरों में नागदेव को देखने के लिए उमड़ रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नागदेव नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर नागदेव जरूर देखें, क्योंकि वाकई में ही नागदेव बहुत ही अच्छी फिल्म है। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको नागदेव में खेसारी लाल यादव या फिर काजल राधवानी में से दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग किसकी लगी।